हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेडिमेंटरी रॉक के बारे में। सेडिमेंटरी रॉक क्या होती है, इसे हम आपको समझाने वाले हैं। पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इग्नियस रॉक के बारे में। इग्नियस रॉक को समझा हमने, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, दोनों रॉक्स को हमने समझ चुके हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट मेजर टाइप ऑफ रॉक पे आते हैं, वो है सेडिमेंटरी रॉक। क्या समझ में आता आपको हेडिंग से, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्स सुना है, पढ़ा है अभी तक, सेवंथ क्लास में आ गए, काफी कुछ पढ़ चुके हैं। सेडिमेंट सुना है ना, मतलब बारीक बारीक जो पार्टिकल्स रहते हैं किसी भी चीज का, टूटा फूटा पार्टिकल, उसे सेडिमेंट कहते हैं हम। तो जी हाँ, सेडिमेंट से ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। किसके सेडिमेंट, अब ऐसा तो नहीं है कि प्लास्टिक के सेडिमेंट से मिट्टी बन जाएगी, मिट्टी के ही सेडिमेंट से मिट्टी बनेगी। मतलब इग्नियस रॉक जो हमने पढ़ी थी, तो वही इग्नियस रॉक जब सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, तो सेडिमेंटरी रॉक बन जाती है। एज सिंपल एज दैट, आ गया समझ में, बहुत आसान था कि इग्नियस रॉक के टूटने के बाद में जब वो अलग अलग सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और वो सेडिमेंट्स जब एक साथ आ जाते हैं तो सेडिमेंट्स धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेडिमेंटरी रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। आ गया, अब आइए इसको समझते हैं। तो ये जो सेडिमेंटरी शब्द है, इसका वर्ड ओरिजिन कहां से आता है, ये भी लैटिन वर्ड से आता है, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। सेडिमेंटम मतलब क्या होता है, सेटल डाउन। जैसे हमने देखा था इग्नियस का इग्निस से आता है, इग्निस का मतलब फायर, और फायर से कैसे मिट्टी बनी है, क्योंकि वो मैग्मा से बनती है। तो वैसे ही सेडिमेंटम का मतलब होता है लैटिन में सेटल डाउन, बैठ जाना। तो जब सेडिमेंट्स क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, तो सेडिमेंटरी रॉक बनती है। सेडिमेंटम से सेटल डाउन, और सेटल डाउन से सेडिमेंटरी रॉक बनती है। आया, तो अब देखो क्या होता है, इग्नियस रॉक जो रहती है, इग्नियस रॉक जब रोल डाउन कर जाती है, या फिर मतलब जैसे बोल्डर्स रहते हैं बड़े बड़े, जैसे ये रॉक थी यहाँ पे, इग्नियस रॉक बन गई। अब इग्नियस रॉक में क्या, क्रैक आने के कारण पत्थर जैसे नीचे बोल्ड करके चले गए, तो जब क्या कहते हैं कि इस तरह से रोल करते हुए नीचे जाएगा पत्थर, तो वो छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इसी तरह से जब इग्नियस रॉक रोल डाउन कर जाती है, क्रैक हो जाती है उसमें, क्रैक होने के बाद में छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है, एंड हिट इच अदर, आपस में अगर मान लो टकराते हैं पत्थर। अब आप बोलोगे पत्थर आपस में कैसे टकराते हैं, दोनों लड़ाई करते हैं क्या, तो जी नहीं, प्लेट्स जो है वो मूव करती है, हमारी जो लिथोस्फेरिक स्लैब होती है, नेक्स्ट चैप्टर में आप यही सारी चीजें पढ़ने वाले। तो ये जो लिथोस्फेयर होती है मूव करती है, और मूव करते करते जब एक दूसरे से कोलाइड करती है, टकराती है ना, तब क्या बनता है, तब एक तरह से जब ये आपस में एक दूसरे से टकराती है तो सेडिमेंट्स में टूट जाती है। तो उस तरह से एक दूसरे से जब रॉक्स टकराती है, क्रैक डेवलप होती है, रोल डाउन कर जाती है, तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते इग्नियस रॉक जो होती है तो वो ब्रोकन, टूट जाती है, ठीक। हिट इच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। आगे समझ में, तो इन सारी एक्टिविटीज के कारण, इन्हीं सारी एक्टिविटीज के कारण जब रॉक्स क्या करती है, एक दूसरे से टकराने के बाद में, लुढ़कने के बाद में टूट जाती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो फ्रेगमेंट्स को ही हम सेडिमेंट्स कहते हैं। सेडिमेंट मतलब वही कहा ना मैंने आपको, कण, पार्टिकल, टुकड़े। तो वो जो सेडिमेंट्स होते हैं, वो सेडिमेंट्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर। तो इस तरह से जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ये ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है, ड्राइंग का टीचर नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम। क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो गई, ठीक है, क्रैक्स डेवलप हो गई, छोटे छोटे सेडिमेंट्स बन गए, ये सेडिमेंट्स बन गए छोटे छोटे। तो जब सेडिमेंट्स बन गए, छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप हो गई, तो उसके चलते क्या होगा, अब ये जहां पे है वहीं पे रहेंगे, लेकिन फिर क्या होता है, फिर ये सेडिमेंट्स जो है, ये सेडिमेंट्स दिख गए सारे आपको, तो दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर। तो मान लो विंड चल रही, हवाएं चल रही बहुत तेज, यहां बारिश होती है, पानी गिर रहा है, तो उसके चलते सारे सेडिमेंट्स क्या होते हैं, उसके चलते सारे सेडिमेंट्स एक तरह से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। देखो ये पानी आ रहा है, ठीक है, पानी लेके गया सारे सेडिमेंट्स को, और सारे सेडिमेंट्स यहां पे डिपॉजिट हो गए। आ गया समझ में, तो इस तरह से सारे सेडिमेंट्स ऊपर से ट्रांसपोर्ट होके आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट गाड़ी में बैठ के नहीं आएंगे, ये किसके थ्रू आएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विंड और वाटर के थ्रू, हवाओं के थ्रू, पानी के थ्रू, तो वो एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। ये डिपॉजिट हो गए सारे, डिपॉजिट होने के बाद में क्या होता है, दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स विच इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। और अभी तो ये लूज थे, अलग अलग थे ना, वो तो सारे बह के आए हैं नीचे, फिर समय के साथ में बैठे 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 वो वहीं पे हार्डन हो जाते हैं, मतलब वहीं पे वो क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और वहीं पे हार्ड होने के बाद में, कंप्रेस होने के बाद में, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके वहां पे कंप्रेस होने के बाद में वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक में टर्न हो जाते हैं। आगे समझ में, तो ये होती है सेडिमेंट्री रॉक। क्या ध्यान रखना है, वर्ड ओरिजिन लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से निकल के आता है, सेटल डाउन, किस तरह से बनता है वो ये भी पता है आपको, रोल डाउन, क्रैक डाउन, हीट, जब एक दूसरे से टकराते हैं वो हीट
करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। फिर सेडिमेंट्स जो रहते हैं वो बैठने लगते हैं उनको, मतलब दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड विंड। और फिर ये सारी प्रोसेस के बाद में जब वो स्टेबल हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, तो कंप्रेस होने के बाद में वो सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल, सेडिमेंट्री रॉक आपने देखी होगी, मैं बताता हूँ कहाँ पे। जैसे आप कभी नदी किनारे जाते हो तो वहां पर आप देखते हो कि जो पत्थर रहते हैं उसके अंदर रेत दिख रही होती है, तो वो रेत जो रहती है वो सारी एकदम कंप्रेस हो जाती है और कंप्रेस होने के बाद में पत्थर में बन जाती है। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो ग्रेन्स रहते हैं सैंड के, ठीक है, सैंड ग्रेन्स जो रहते हैं, तो वो एक समय तक वहीं पर रखे रहते हैं, तो वो पत्थर के रूप में आपस में चिपक जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि किसी ने फेविकोल डाला उसके बीच में जाके, वो जो रेत रहती है वो अपने आप क्या हो जाती है, चिपक जाती है। तो उसी तरह से जो सेडिमेंट्स रहते हैं वो सेडिमेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, वो सेडिमेंट रॉक में कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो देखो इस तरह से ये यहाँ पे सेडिमेंटेशन, ये इरोजन होता है, ये लैंड टूटती है, ये सारे सेडिमेंट्स बैठ गए यहाँ पे। देखो ये पानी के अंदर ये सारे सेडिमेंट्स बैठ गए हैं, ठीक है, जो अलग कलर में दिख रहे हैं, थोड़ा सा लाइट ब्राउन। तो पानी के बीच में सारे सेडिमेंट्स हो गए, सेडिमेंटेशन। अब ये सेडिमेंटेशन के ऊपर क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है, धीरे धीरे और लेयर आते चले जाती है। जैसे अब ये ब्राउन के ऊपर क्या होगा, येलो कलर आ गया, तो ये और सेडिमेंट्स के ऊपर लेयर बनती चली जाती है। अब जब ये लेयर और बनती चली जाती है, विद टाइम मोर लेयर्स पाइल अप एंड प्रेस डाउन द लोअर लेयर। तो जो नीचे है वो, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम शादियों वगैरह में मस्ती करते हैं तो एक बच्चे के ऊपर दूसरा बच्चा कूद जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके चलते जो सबसे नीचे रहता है अगर उसके ऊपर चार पाँच लोग कूद जाते हैं तो नीचे वाला क्या हो जाता है, एकदम पूरा दब जाता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है कि ये नीचे वाले जो सेडिमेंट्स थे जो पहले आ गए थे, ठीक है, उनके ऊपर और लेयर बनते जाती है और लेयर बनते जाने के चलते वो कंप्रेस होते जाते हैं। ये देखो कंप्रेस होते जा रहे, मोर लेयर्स स्ट्रेटा आर फर्दर कॉम्पैक्शन फोर्स आउट ऑफ वाटर ऑफ लेयर, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये पूरे सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं और यहाँ पे एक रॉक बन जाती है, और इस तरह की जो रॉक बनती है वो सेडिमेंट्री रॉक होती है। तो ये सिंपल सा फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, क्लियर। अब अगर हम देखें तो दीज रॉक्स मे ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, फॉसिल क्या होते हैं, फॉसिल मतलब जो रिमेन्स होते हैं, जैसे हड्डी का ढांचा हो गया, ठीक है, या फिर कह लीजिए क्या कि बॉडी पार्ट्स हो गए किसके, किसी जानवर के, प्लांट के, ये सारी चीजें। तो ये रॉक जो रहती है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, मतलब फॉसिल ऑफ प्लांट एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड वंस ऑन आर प्रेजेंट ओवर देयर। इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम कह लेते हैं ये पहाड़ था, ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एक, चलो एक मान लीजिए एक जानवर था। अभी जानवर कौन सा ये मत पूछना, अपने अपने हिसाब से देख लो कौन सा था। तो ये जानवर था, इस जानवर की डेथ हो जाती है, ठीक है, अब जानवर की डेथ हो गई है तो डेथ हो जाती है तो चलो इसको, ओहो पूरा पहाड़ चले गया हमारा। तो ये जानवर था, जानवर की डेथ हो गई है, अब तो मान लो अब उसकी बॉडी है ये, ठीक है, जानवर की डेथ हो जाती है। अब क्या होता है कि हमने बताया था सेडिमेंट्री रॉक किससे बनती है, सेडिमेंट से। तो ये सारे सेडिमेंट्स जब पानी और विंड के थ्रू बह के आते हैं और यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक सेडिमेंट्स की लेयर बनते जाएगी। अब देखो क्या है, ये जानवर अब भाग नहीं पाएगा, क्यों नहीं भाग पाएगा, क्योंकि उसकी तो डेथ हो चुकी है लेकिन उसकी बॉडी वहीं पे है। तो इस तरह से क्या है, उसके हड्डियों का ढांचा, ये सारी चीज़ें, वो उन सेडिमेंट्स के बीच में दब जाता है और वही उसी सेडिमेंट्स के बीच में दबते 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 ऊपर लेयर बन जाती है। और रॉक के बीच में क्या मिलेगा आपको, उस चट्टान के बीच में, उस पत्थर के बीच में आपको इस तरह से फॉसिल्स मिलेंगे, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आया ना समझ में कि किस तरह से जो सेडिमेंट्री रॉक होती है इसके अंदर ये फॉसिल्स होते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक कैसी होती है, कहाँ बनती है, तो उसका एक एग्जाम्पल होता है, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंडस्टोन को हिंदी में बालुआ पत्थर कहते हैं, आप लोगों ने देखा है ये, मुझे पता है पक्का देखा है, ठीक है, बस सैंडस्टोन नाम सुन के भी कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब जैसे आप हम नदियों के किनारे जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं तो देखते हैं ना वहाँ पे जो पत्थर रहते हैं, जो जिसको देखने पे ऐसा लगता है यार इसके अंदर रेत के कण दिख रहे हैं, ठीक है, जो सैंड होती है उसके ग्रेन्स होते हैं जिसके अंदर, जैसे ये। अब फोटो देख के आपको पता नहीं कितना क्लियर होगा ये, बाकी सैंडस्टोन इस तरह से होता है जिसके अंदर रेत जो रहती है तो कंप्रेस हो जाती है, वो सेडिमेंट्स के फॉर्म में जमा रहती है लेकिन ऊपर से और लेयर बनते जाती है तो कंप्रेस होकर वो सैंडस्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो सैंडस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। आई होप सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, क्या एग्जाम्पल होता है, उसके अंदर फॉसिल्स कहाँ से आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। तो इस वीडियो में हमने यही सारा सब कुछ पढ़ा है। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।